हेलो स्कॉर्पियंस, देख लेते क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए फॉर दिस जून मंथ। क्या एनर्जीज हैं? ओके स्कॉर्पियन, सबसे पहली चीज़, जून मंथ में मंथ की शुरुआत द हैंगमैन से हो रही है, जो एनर्जीज बताता है कि भैया थोड़े से स्कॉर्पियन स्टक महसूस कर सकते हैं अपनी लाइफ को, कि समझ में नहीं आ रहा है क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। बट आप बखूबी चीज़ों को एक्सेप्ट किया हुआ है, सरेंडर मोड में भी हो, और आपने क्या हुआ कि भैया जितना मेरे से हो सकता था मैंने कर लिया है, मैंने भगवान पे छोड़ा हुआ है, जो होगा देखा जाएगा। इससे ज़्यादा मैं सोच सोच के अपना दिमाग ख़राब नहीं कर सकता हूँ। तो ये क्लैरिटी आपको आ चुकी है और आपने भगवान हवाले कर दिया, जो कि अच्छी बात है। जो भी चीज़ों की आप एक स्टक सिचुएशन में अटके हुए हो, चाहे वो लव लाइफ है, करियर है, जो भी कह लो, ये स्टक सिचुएशन ना थोड़ी सी मिड जून तक रहने वाली है, बिकॉज़ आगे तो चैरियट के कार्ड्स आए हैं, तो थोड़ा ब्लैक एंड वाइट थोड़ी सी समझ आएगी, फिर कन्फ्यूजन रहेगी, थोड़ा सा ये हीलिंग टाइम इस चीज़ को लगेगा। लेकिन करियर रिलेटेड बहुत ही अच्छा जून मंथ आपके लिए रहेगा। करियर में आपको अच्छी सक्सेस मिलने वाली है, अच्छी ग्रोथ आने वाली है। स्कॉर्पियंस, बहुत ही बढ़िया समय रहेगा जून का। आप जो सोचोगे चाहोगे वो मैनिफेस्ट कर पाओगे, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आप देखें तो यहाँ पर द चैरियट बना हुआ है, द एस ऑफ कप्स आए हैं, द नाइट ऑफ कप्स हैं, द किंग ऑफ कप्स हैं। आप कहेंगे कि मैं कैसे कार्ड्स के नाम ले लूँ, आप नहीं समझ पा रहे, बट इन शॉर्ट समझ लीजिए, जो मैंने 6 कार्ड निकाले इसमें से 5ों कार्ड करियर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहे हैं। तो करियर वाइज बहुत अच्छा पीरियड रहेगा। इमोशनल स्टेबिलिटी भी आपको मिलेगी, मन भी आपका अच्छे से लगेगा और मन में स्टेबिलिटी रहेगी। रिलेशनशिप रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो उसमें भी आपको जल्दी रिकवरी, सॉर्ट आउट होता हुआ इम्प्रूवमेंट देखी जाएगी। बहुत ही म्यूचुअल स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आता हुआ भी दिखता है रिलेशनशिप्स में। जितने भी लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं, आपके इसमें भी बहुत अच्छा करियर का लाभ आपको देखने मिलेगा इन जून मंथ। तो ये तो यू नो करियर रिलेटेड बड़ा अच्छा। अब जितने भी लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट में पढ़ाई कर रहे हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा, लेकिन थोड़ा सा ना इजीली डिस्ट्रैक्ट आप हो सकते हो। तो ये इजीली डिस्ट्रैक्ट होने से बचने के लिए अपने पास एमिथिस्ट क्रिस्टल रखिए या नॉर्थ और ईस्ट को देख के पढ़ाई कीजिए। अपनी तरफ से फोकस आप ज़्यादा अच्छा लगाएं तो अच्छा माना जाएगा। तो डिस्ट्रैक्शन इजीली हो सकती है जो स्टूडेंट्स हैं ना। उसके अलावा हेल्थ बहुत बढ़िया रहेगी। सिर्फ जून की शुरुआत में थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं, उसके अलावा बहुत अच्छी हेल्थ आपकी रहेगी। हेल्थ में भी प्रॉब्लम नहीं है, रिलेशनशिप्स मैं बता चुकी हूँ, करियर भी मैंने कवर कर लिया है कि करियर वाइज जॉब है, बिजनेस कह लो, हर रूप से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सो ऑल ओवर बहुत ही अच्छा पोटेंशियल आपकी राशि के लिए देखा जा रहा है, कि आपका मन भी, दिमाग भी और हेल्थ वाइज भी काफ़ी पॉजिटिविटी देखी जा रही है। अब इसके साथ में एंजल मैसेजेस भी देख लेते हैं क्या आ रहे हैं आपके लिए। सबसे पहला कार्ड ये आप देख लीजिए, गॉडेस लक्ष्मी के फीट आए हैं, अबंडेंस एंड वेल्थ, पॉजिटिव वाइब्स रीचिंग टू यू। तो माता लक्ष्मी के ही चरणों की आपकी एनर्जीज आ गई हैं, कि इस टाइप से लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी, धन प्राप्ति होगी,
जून महीना पैसे को लेकर के कृपा दृष्टि दया दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी। फैमिली बॉन्ड भी आपका बढ़िया रहेगा, हारमनी इन फैमिली। तो जैसे मैंने कहा ना, कप्स ये जो कार्ड्स थे ये बहुत अच्छी एनर्जीज दिखा रहे थे, फैमिली सपोर्ट, फैमिली हार्मनी, गुड लक सब है। हो सके ना थोड़ा सा आप लाल रंग ज़रूर पहनिएगा, अगर लाल रंग का धागा बांध सकते हैं, या इन जनरल थोड़ा बहुत कपड़ों में रेड कलर आपके पास अगर वार्डरोब में है तो थोड़ा सा रेड कलर ज़रूर, रेड टोन के कपड़े पहनिएगा, अच्छा माना जाएगा, फेवर देगा, रूबी जेम स्टोन्स की एनर्जीज आई हैं। तो प्रॉपरली बिना पत्ती का दिखाए रतन तो मैं नहीं दे सकती हूँ, लेकिन हाँ लक्ष्मी जी भी नो लाल रंग से हम हमारे दरवाजे पे स्वास्तिक वास्तु बनवाते हैं, तो रेड कलर की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। और रेड कलर एक फायर एलिमेंट माना जाता है, अच्छी एनर्जी ब्लेसिंग्स लेकर आता है। तो ज़रूर इस कलर को अगर आपके पास है तो उसका, या रेड कलर के फल फ्रूट्स भी खा सकते हैं, वो भी आपकी हेल्थ, एनर्जी, आइडियाज, ब्लेसिंग्स बहुत खूबसूरती से आपको देगा, तो बहुत अच्छा माना जाएगा। सो देखो ऑल ओवर रीडिंग में काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी, ब्लेसिंग सीधा सीधा आई है, चाहे मैं टैरो कार्ड्स की बात कर लूँ, चाहे एंजल कार्ड्स की बात कर लूँ, तो बहुत अच्छा पोटेंशियल है। द बेस्ट कार्ड मुझे ये लगा है ऑनेस्टली। तो जब कृपा दृष्टि दया दृष्टि आ रही है तो अपनी तरफ से कोशिश भी करना है कि आप पॉजिटिव रहें, कुछ भी जो नेगेटिव चल रहा है जैसे यहाँ पे कार्ड था अवॉइड कीजिए, सरेंडर ही रखिए उसको, डिवाइन पर भरोसा रखिए कि जो आपके साथ अच्छा कर रहा है वो भी उसको पता है, जो आपके हिसाब से आपको लग रहा है बुरा हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं अच्छे के लिए हो रहा है, बट आपको नहीं समझ आ पा रहा है इस वक्त में, तो सरेंडर मोड में ही रहिए, वो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप इससे आप कनेक्टेड एंड रेजोनेट हो पाए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।